Sugar, how you get so fly? तो भाइयों कैसे हैं आप लोग? तो आजकल के टाइम में लोगों की मेंटालिटी बहुत चेंज हो चुकी है जॉब्स के मामले में। वो किसी के अंडर नहीं काम करना चाहते, वो खुद के ही बॉस बनना चाहते हैं। एंड दे डोंट वॉन्ट टू वर्क लाइक अ रोबोट, दे डोंट हैव इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो इसी वजह से आप लोग आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत ही नाम सुन रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट ही कुछ वीडियोज़ में आप लोग के अकॉर्डिंग बनाऊँगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। तो क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं साकेजम, एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाइए साकेजम। सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर फोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया फ्रीलांसर वो है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर्टिकुलरली किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। मतलब आपका जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ योर वर्क इज डन, अनलाइक अदर जॉब्स कि आपसे बॉन्ड साइन कराया है कि एक ईयर तक आप लोग को काम करना ही करना है इस कंपनी में एंड एक फिक्स्ड सैलरी पे की जाएगी आपको। बट इन फ्रीलांसिंग मनी इज पेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एंड योर एक्सपीरियंस। सो बेसिकली देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रीलांसर्स। एक तो जो साइड प्रोजेक्ट ले करते हैं, जैसे अगर आप अभी कॉलेज में हैं एंड आपको स्टडीज़ भी करनी है साथ में मनी भी अर्न करना है, तो आप पार्ट टाइम अपनी नॉलेज के हिसाब से फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। कोई भी साइड में छोटा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए एंड उस पर वर्क करिए। सेकंड है फुल टाइम फ्रीलांसर, कि अगर आप किसी के लिए स्पेसिफिकली काम नहीं करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट ले लीजिए एंड उस पर काम करिए। एंड आप लोग को आर्ली बेस पे मनी मिलेगा या फिर प्रोजेक्ट के बेस पे मनी मिलेगा। तो इन इट जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। एंड एक होते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांसर, तो ये एक ही फर्म के लिए काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो मतलब आप कुछ मंथ्स के लिए काम करेंगे वन ईयर में एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, बट ये थोड़ा ख़राब है बिकॉज अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं तो मनी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इससे। तो फ्रीलांसिंग एक ग्रेट वे है सेल्फ एम्प्लॉयड होने का, इसमें आपको किसी पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ता एंड आप खुद ही के बॉस होते हैं। दैट मीन्स आपका जब मन करे तब आप वर्क करिए, जब नहीं करे तो कोई प्रोजेक्ट ही ना उठाइए आपकी छुट्टी। तो चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे, वेयर टू फाइंड दोज प्रोजेक्ट्स। तो करेंटली बहुत सी साइटें हैं फ्रीलांसिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। आप इन पे जाके प्रोजेक्ट्स पोस्ट करिए जिस पे आप बनाना चाहते हैं एंड जिस पे आपको नॉलेज है, उसमें अपने भी प्रोजेक्ट्स अपलोड करिए जिस पे आप लोग ने बनाया, ताकि क्लाइंट्स को पता चले आपकी कैपेबिलिटी। एंड या स्कैम से भी थोड़ा दूर रहें, बिकॉज इसमें कुछ स्कैमर्स भी होते हैं जो कि आपकी वाट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कैमर मेरे पास ही आया था, ही आस्क्ड मी टू मेक अ प्ले डेवलपर्स अकाउंट फॉर हिम, और उसने मुझसे कहा कि आप $25 पे कर दो डेवलपर्स अकाउंट में, मुझे लिंक दे दो, मैं आपको $30 ट्रांसफ़र कर दूंगा, बिकॉज डेवलपर्स अकाउंट में $25 रजिस्ट्रेशन लगता है चार्जेस। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन भी आए तो आप ना ऑप्ट करिएगा, बिकॉज देयर आर चांसेस ही विल नॉट पे यू और वो आपका आईडी पासवर्ड लेके पासवर्ड चेंज करके रफा दफा हो जाएगा। सो फ्रीलांसिंग में ऐसे बहुत से आपके होते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मच मनी कैन बी अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग। तो मैंने थोड़े बहुत फोरम्स में रिसर्च की इस बारे में एंड वहाँ से मुझे पता लगा कि देयर इज़ नो सच लिमिट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच नॉलेज यू हैव और एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, बिकॉज स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से ही होती है। कुछ लोग मैंने इन्हीं फोरम्स पे देखे हैं कि $3,000 या $4,000 तक ये लोग पर मंथ कमा रहे हैं एंड कुछ लोग $5 या $10 कमा रहे हैं। बट दोनों में अंतर क्या है, जो $5 या $10 कमा रहे हैं वो बिगनर्स हैं, जो $3,000 या $4,000 कमा रहे हैं वो 3 या 4 साल से उस पर वर्क कर रहे हैं। तो उनके पास प्रोजेक्ट है शो करने को, उनके पास एक्सपीरियंस है एंड उनके पास क्वालिटी है। तो अगर आप लोग के पास भी ये सब चीज़ें हैं एंड आप लोग प्रूव कर सकते हैं, यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू गेट प्रोजेक्ट्स। एंड ट्रस्ट मी ये कोई सिंपल टास्क नहीं है, बिकॉज मैंने भी बहुत टाइम तक फ्रीलांसिंग ट्राई की है एंड अब तक मुझे एक ही प्रोजेक्ट मिल पाया है एंड उसमें भी मुझे वो करने में डिफ़िकल्टी हुई थी बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो बेसिकली अगर आप लोग को प्रोजेक्ट्स चाहिए तो सबसे पहले आप लोग अपनी सर्विस फ्री में प्रोवाइड कराइए, ताकि लोगों को पता चले
अबाउट योर वर्क देन आस्क देम टू रेट यू. रेटिंग मैटर्स. तो स्टार्ट में फ्री के प्रोजेक्ट्स उठाइए एंड उसे पोस्ट कर दीजिए अपने डिस्क्रिप्शन में कि आई हैव डन दिस वर्क सो दैट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड. जियो का कॉन्सेप्ट ही ले लीजिए, पूरे 6 महीने तक फ्री में नेट बांटा, अब देखिए कितने सब्सक्राइबर्स हैं. जस्ट लाइक दैट फ्री लैंसिंग ऑल्सो वर्क. तो मेनली अगर आप लोग को प्रोजेक्ट्स चाहिए तो पहले आप लोग के पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए शो करने के लिए कि ये मैंने बनाया है एंड सम वर्क एक्सपीरियंस. एंड आपको गुड नॉलेज होने चाहिए उस फील्ड की जिस फील्ड में आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है. तो होप आप लोग को फ्री लांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. एंड सिद्धार्थ ब्रो, होप आपको भी समझ में आया होगा व्हाट इज़ फ्री लांसिंग. तो अगर आप लोग को इस फील्ड के रिगार्डिंग कोई सी भी और प्रॉब्लम हो तो आप लोग फोरम से जाके सर्च करें, कोरा या रेडिट जैसे, वहाँ आप लोग को ईजिली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एंड बहुत से एक्सपीरियंस लोग भी मिल जाएंगे आप लोग को वहाँ पे. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक. टिल देन टाटा.